इस दुकान ने हमें बहुत कुछ दिया है। लोग बाग कहते हैं कि दुकान मेरी हो जाए, तो मेरा कहना यह है कि आप दुकान के हो जाएं पहले, फिर दुकान आपकी हो जाएगी। मेरा नाम दीपक खट्टर है और मैं मूलचंद पराठा अपने बाइक विक्रांत के साथ मिलकर चलाता हूँ, जो पिछले 47 साल से चल रहा है, जिनके ऑनर हमारे फादर मिस्टर रामलाल खट्टर और हमारे छोटे पापा मिस्टर सुभाष चंद। हमारे फादर मिस्टर रामलाल खट्टर ने पहले एक ढाबा स्टार्ट किया था, लेकिन 1975 में वो शॉप डिमोलिश कर दी गई MCD के द्वारा। उसके बाद हमारे फादर ने रोड साइड पे ही साइकिल पे पराठे बेचना चालू किए। जब हमारे फादर ने काम स्टार्ट किया था, हमारे पास दो ही वैरायटी थी, हम आलू पराठा बनाते थे और अंडा पराठा बनाते थे। जब आउटलेट में अपने आप को कन्वर्ट किया, तो आज हमारे पास 28 से ज़्यादा वैरायटी हैं पराठे की। तो मेरे 5-6 वर्कर ऐसे हैं जो पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं। हमारे सक्सेस में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो हम मसाला बनाते हैं वो सिर्फ उन्हीं को पता है कि कैसे बनता है, उन 5 वर्कर्स को ही पता है कि कैसे बनता है। यही राज है कि हमारा जो टेस्ट है, हम पिछले 47 साल से एक जैसा टेस्ट दे पा रहे हैं। कस्टमर ही एक पर्टिकुलर आउटलेट को या एक लोकल को वोकल बनाता है। इवन हमने अपना जो ब्रांड नेम है वो भी हमारे कस्टमर ने ही दिया कि आप मूलचंद पराठा रखिए नाम, वही हमें बुलाते थे कि मूलचंद के पराठे। तो हमने वही उनका दिया हुआ नाम हमने रख दिया एज अ ब्रांड। वो आज जो बन गया वो कस्टमर की बदौलत ही। मैं ज़्यादातर यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डरिंग का देखता हूँ। दिन के हमारे 700-800 ऑर्डर हैं और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम राइडर या बाइक इनका खर्चा उठा सकें या इसके लिए हम वो कर सकें। जब से जोमेटो आया है तब से हमें इजी हो गया कि इतने ऑर्डर हम डिलीवर कर सकते हैं। हमें बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि लेट नाइट रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन नहीं है, सुबह 4 बजे तक हम डिलीवर कर सकते हैं जोमेटो के थ्रू। आज तक हमने ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऑर्डर से हमने 865 ऑर्डर निकाले हैं एक दिन में, और आगे हम चाहते हैं कि आगे इससे भी ज़्यादा बढ़े। कि पेड़ की जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, पेड़ पे उतना ही फल मीठा लगता है। तो जो भी आप आइटम बनाते हैं कस्टमर के लिए, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और मसाले हैं और जो उसमें रॉ मटेरियल है, वो बेस्ट से बेस्ट डालें। अपने स्टाफ का ध्यान रखें और अपने कस्टमर के टेस्ट का ध्यान रखें, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। भले ही समय लगे, लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी।